सभी दर्शकों को नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल Essential Infinity में। आज हम बात करेंगे न्यूटन के दूसरे नियम के बारे में। मैं रेकमेंड करूंगा कि इसे समझने से पहले आप न्यूटन फर्स्ट लॉ की वीडियो देख लें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। न्यूटन के पहले नियम में हमने यह समझा कि अगर किसी वस्तु के ऊपर नेट फोर्स जीरो है तो वह कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है, लेकिन तब क्या होगा जब नेट फोर्स जीरो नहीं होगी। मान लीजिए एक फुटबॉल 2 मीटर पर सेकंड से किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसका वेट और नॉर्मल फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। अब उसके ऊपर सेम डायरेक्शन में कांस्टेंट फोर्स लगाई जाती है। इस सिचुएशन में हमने यह पाया कि जिस टाइम तक कांस्टेंट फोर्स लगती रही उस टाइम तक कांस्टेंट रेट पर वेलोसिटी चेंज होती रही और बढ़ती रही। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन से यह पता चलता है कि जब किसी वस्तु के ऊपर नेट फोर्स लगती है तो वह वस्तु उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट होती है जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स लग रही है। एक्सेलरेशन मीन्स समय के साथ कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है। न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार अगर किसी वस्तु के ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रही है तो वह वस्तु उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगी जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स लग रही है। नेट फोर्स वेक्टर इक्वल्स मास ऑफ द बॉडी टाइम्स द एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ द बॉडी। और फोर्स एक्सटर्नल ही होनी चाहिए तभी वस्तु एक्सेलरेट होगी। जैसे आप खुद को बेल्ट से पकड़कर हवा में नहीं उठा सकते। फोर्स की SI यूनिट न्यूटन होती है एंड 1 न्यूटन इक्वल्स 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम यह कह सकते हैं कि 1 न्यूटन वह फोर्स है जो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है 1 किलोग्राम की बॉडी में। मान लीजिए मैं 1 किलोग्राम के बॉक्स पे 1 न्यूटन की फोर्स लगाता हूँ तो वह 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट होगा। इस इक्वेशन को रीअरेंज करके हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इक्वल्स फोर्स डिवाइड मास। तो एक्सेलरेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स। इसका मतलब जितनी ज्यादा फोर्स होगी उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास। इसका मतलब जितना कम मास होगा उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन होगी। उदाहरण के लिए अगर हम एक 1200 किलोग्राम की कार पे 2400 न्यूटन की फोर्स लगाते हैं तो उसकी एक्सेलरेशन होगी 2400 न्यूटन डिवाइड 1200 किलोग्राम इक्वल्स 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन अगर हम एक 300 किलोग्राम की मोटरसाइकिल पे 2400 न्यूटन की फोर्स लगाते हैं तो उसकी एक्सेलरेशन होगी 2400 न्यूटन डिवाइड 300 किलोग्राम इक्वल्स 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम देख सकते हैं जितना कम मास होगा उतनी ही ज्यादा एक्सेलरेशन होगी। सभी व्हीकल्स में इसी कंसेप्ट का उपयोग होता है। मास को कम रखा जाता है और इंजन की फोर्स को ज्यादा, ताकि मैक्सिमम एक्सेलरेशन मिल सके। नेट फोर्स इक्वल्स मास टाइम एक्सेलरेशन। न्यूटन के दूसरे नियम की यह इक्वेशन देखने में तो सिंपल लगती है, लेकिन हमें इसे सावधानी से उपयोग करना पड़ेगा। नेट फोर्स सभी इंडिविजुअल फोर्सेस का वेक्टर सम होता है। अगर किसी वस्तु के ऊपर बहुत ज्यादा फोर्सेस लग रही हो तो हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर नेट फोर्स निकालते हैं, और नेट फोर्स की डायरेक्शन हमें बॉडी के एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बताती है। उदाहरण के लिए हम यह फिगर देखते हैं। एक 5 kg के बॉक्स पर 10 न्यूटन की फोर्स आगे की तरफ और 5 न्यूटन की फोर्स पीछे की तरफ से लग रही है। बॉक्स का वेट mg नीचे की तरफ और नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ है। बॉक्स का वेट mg और नॉर्मल फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। 10 न्यूटन और 5 न्यूटन की फोर्सेज अपोजिट डायरेक्शन में है तो वे सब्ट्रैक्ट होंगी और नेट फोर्स 5 न्यूटन होगी आगे की तरफ, इसलिए एक्सेलरेशन भी होगी आगे की तरफ। आप यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। जो लोग नहीं निकाल पाए वो पहले अच्छे से हाथ मुंह धो लें और फिर से वीडियो देखें। न्यूटन का दूसरा नियम तभी वैलिड होगा जब मास कांस्टेंट होगा। मान लीजिए कोई टैंक ट्रक लीक कर रहा है या कोई रॉकेट शिप स्पेस में जा रही है। टैंक ट्रक से लिक्विड लीक हो रहा है और रॉकेट शिप काफी मात्रा में फ्यूल यूज कर रही है जो कि नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता। ऐसे केसेस में मास बहुत कम हो रहा है, और ऐसे सिस्टम्स को हम मोमेंटम के कंसेप्ट से हैंडल करते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ से नहीं। न्यूटन का दूसरा नियम भी पहले नियम की तरह इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही वैलिड होगा।
किसी भी एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में यह वैलिड नहीं होगा। मान लीजिए आप एक कार में बैठे हैं जो रेस्ट से एक्सेलरेट होती है, तो आपको लगेगा कि कोई फोर्स आपको सीट की तरफ धक्का दे रही है, लेकिन ऐसी कोई फोर्स नहीं है, यह तो सिर्फ आपके इनर्शिया की वजह से है। ऐसे केसेस में हमें न्यूटन सेकंड लॉ का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि कार की एक्सेलरेटेड फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। हम पृथ्वी की अप्रॉक्सीमेट इनर्शियल फ्रेम में ही मोशन को स्टडी करते हैं, लेकिन इसके रोटेशन और ऑर्बिटल मोशन की वजह से यह भी परफेक्टली इनर्शियल नहीं है। आशा है कि आपको यह सब समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आपके पास कोई भी शिकायत या सुझाव है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नमस्कारम।